WWE के सारे पेपर व्यू में सबसे ज़्यादा खतरनाक पेपर व्यू अगर किसी को माना जाता है तो वो है हमारा हेल इन अ सेल, क्योंकि गैस सारी फाइट स्टील केज के अंदर होती हैं तो पेपर व्यू तो ऑलरेडी खतरनाक होगा ही होगा। सो गैस आज की सिंपल सी वीडियो में बात करेंगे WWE के अपकमिंग पेपर व्यू हेल इन अ सेल के बारे में कि हेल इन अ सेल इंडिया में कब आने वाली है, उसकी क्या क्या डेट एंड टाइम होने वाली है। बाई चांस आप लाइव शो मिस कर देते हैं तो रिपीट टेलीकास्ट आप कितने बजे देख सकते हैं, इस बार हेल इन अ सेल में कौन कौन से धमाकेदार हाई वोल्टेज मैचेस फिक्स हुए हैं, मेरी हेल इन अ सेल को लेकर क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं। सो WWE फैंस के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको लास्ट तक कंप्लीटली जरूर वॉच कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम है आराम खान, आप देख रहे हो योर फेवरेट चैनल टैक आराम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं हेल इन अ सेल के डेट एंड टाइम के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है कि 6 जून को मंडे के दिन इस प्रोग्राम को लाइव इंडिया में टेलीकास्ट किया जाएगा, तो 6 जून के जो टाइमिंग है वो आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फिर भी मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ, किक ऑफ शो जो रहेगा वो हमारा सुबह 4:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। बाई चांस आप किक ऑफ शो नहीं देखना चाहते, आप डायरेक्ट मेन शो देखना चाहते हैं, लाइव फाइट देखना चाहते हैं, तो सुबह 5:30 बजे मेन शो लाइव स्टार्ट हो जाएगा। आप सुबह 5:30 बजे लाइव शो के मजे ले सकते हैं। बाई चांस कहते आपका मेन शो मिस हो जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सुबह 10 बजे इस शो को रिपीट किया जाएगा, आप सुबह 10 बजे इस शो का रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं। अगर 10 बजे वाला शो भी आपका मिस हो जाता है किसी कारणवश तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोपहर में 2 बजे उसी दिन इस शो को दोबारा रिपीट किया जाएगा, आप दोपहर में 2 बजे इस शो के दोबारा मजे ले सकते हैं। बाई चांस गाइस किसी प्रॉब्लम के कारण आपने सुबह का भी मिस कर दिया, शाम का भी मिस कर दिया, आपने सारे शो मिस कर दिए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइस, रात को 8 बजे तीसरी बार इस शो को रिपीट किया जाएगा, तो रात में 8 बजे आप इस शो का तीसरी बार रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप इस शो को हिंदी में वॉच करना चाहते हैं तो Sony 10.1 पर आप इस शो को हिंदी में मजे ले सकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह अगर आप इंग्लिश कमेंट्री में इस शो के मजे लेना चाहते हैं तो आप Sony 10.3 पर इंग्लिश में भी इस शो को वॉच कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आप अपने घर से दूर हैं या किसी कारणवश टीवी में इस शो को नहीं देखना चाहते, अपने मोबाइल में इस शो के मजे लेना चाहते हैं और आप एक जियो यूजर हैं तो आप जियो टीवी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आप इस शो को लाइव वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप एक एयरटेल यूजर हैं तो आप एयरटेल एक्स स्ट्रीम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें भी आप इस शो को आसानी से लाइव वॉच कर सकते हैं। तो ये थे गाइस WWE हेल इन अ सेल के डेट एंड टाइम जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अब बात करते हैं हेल इन अ सेल की फाइट्स के बारे में, जो कि इस बार बहुत ही ज्यादा धमाकेदार फाइट्स इस इवेंट के लिए बुक की गई हैं। द फर्स्ट मैच ऑफ दिस इवनिंग गाइस कोडी रोड्स वर्सेस सेथ फ्रिकिन रॉलिंस हेल इन अ सेल मैच। हेल इन अ सेल मैच होने वाला है दोनों प्लेयर्स के बीच, और जैसे कि आपको मालूम है कि इन दोनों की राइवलरी जो है पिछले काफी दिनों से बहुत ज्यादा खतरनाक चल रही है और अब इस राइवलरी को एंड करने का वक्त आ गया है। गाइस प्रेडिक्शन की बात की जाए गाइस तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि WWE भी इस राइवलरी को एंड करना चाहती है। इसी के साथ मुझे लगता है कि कोडी रोड्स यहां पर तीसरी बार सेथ रॉलिंस को हरा देंगे और मैच अपने नाम कर लेंगे, क्योंकि कोडी रोड्स अगर सेथ रॉलिंस को यहां पर नहीं हरा पाए तो ये राइवलरी चालू रहेगी। सो आई एम गोइंग विद कोडी रोड्स। आवर नेक्स्ट मैच इज बियांका बेलियर वर्सेस आस्का वर्सेस बेकी लिंच, ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द WWE रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है गाइस, मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि काफी समय बाद हमें वुमेन्स का कोई ट्रिपल थ्रेट मैच WWE में देखने के लिए मिल रहा है। प्रेडिक्शंस की बात की जाए गाइस तो यहां पे प्रेडिक्शंस हमारे सबके सामने बिल्कुल साफ है, मैं जाऊंगा यहां पर बियांका बेलियर के साथ, क्योंकि जैसा आप सभी को मालूम है कि बियांका बेलियर ने भी हाल फिलहाल में चैंपियनशिप जो है वो जीती थी, तो इतनी जल्दी तो WWE उनका टाइटल उनसे नहीं छीनेगी। सो आई एम गोइंग विद बियांका बेलियर। और नेक्स्ट मैच इज बॉबी लैशली वर्सेस ओमोस एंड MVP 2-on-1 हैंडीकैप मैच। इस मैच की मजेदार बात यह है गाइस कि एक तरफ होंगे बॉबी लैशली जो कि अकेले, दूसरी तरफ होंगे ओमोस एंड MVP, और जैसे कि आपको मालूम है कि बॉबी लैशली और MVP की राइवलरी काफी टाइम पहले भी चल रही है, लेकिन इस बार ओमोस और MVP एक साथ होंगे, बॉबी लैशली यहां पर अकेले होंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ओमोस वाली टीम बॉबी लैशली को आसानी से हरा देगी और मैच अपने नाम कर लेगी। अगर प्रेडिक्शन की बात की जाए तो आई एम गोइंग विद ओमोस एंड MVP। और नेक्स्ट मैच इज गाइस थ्योरी वर्सेस मुस्तफा अली। WWE हेल इन अ सेल का ये पहला ऐसा मैंस मैच है जिसमें कोई टाइटल डिफेंड हो रहा है। प्रेडिक्शन की बात की जाए गाइस तो यहाँ पे प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ है थ्योरी जिन्होंने भी हाल फिलहाल में अपनी चैंपियनशिप जीती है और दूसरी तरफ है मुस्तफा अली जो कि आजकल काफी ज्यादा फॉर्म में चल रहे हैं। फिर भी मुझे आप लोग यहाँ पर किसी को प्रेडिक्ट करना पड़े तो मैं जाऊँगा थ्योरी के साथ। आई थिंक थ्योरी मुस्तफा अली को हराकर अपना चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे और बने रहेंगे हमारे WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। हमारे नेक्स्ट मैच की तरफ गाइस फिन बैलर AJ स्टाइल एंड निव मॉर्गन वर्सेस जजमेंट डे एज डैमियन प्राइस्ट एंड रिहा रिफ्ले। 6-person टैग टीम मैच होने वाला है गाइस, मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा गाइस क्योंकि हर टीम में एक फीमेल प्लेयर भी है, जैसे कि आपको मालूम है कि किसी टीम में अगर फीमेल प्लेयर आ जाती है तो उस मैच में 4 चांद लग जाते हैं। प्रेडिक्शन की बात की जाए गाइस तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं लगता है कि फिन बैलर और AJ स्टाइल वाली टीम एज की टीम को हराकर मैच अपने नाम कर लेगी। फिर भी आपको बता दे रहा हूँ गाइस मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और हेल इन अ सेल पेपर व्यू में अगर कोई मैच लंबा जाएगा तो सबसे ज्यादा लंबा मैच यही जा सकता है। बाकी देखते हैं कि मैच में क्या होता है गाइस, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर फिन बैलर और AJ स्टाइल की टीम के साथ हैं। तो ये थे गाइस हेल इन अ सेल के कुछ एपिक मैचेस जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं और हेल इन अ सेल की टाइमिंग, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों के साथ अपनी प्रेडिक्शंस भी शेयर की। मैं चाहता हूं गाइस कि आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेडिक्शंस मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं भी आपके थॉट्स जान सकूं कि हेल इन अ सेल को लेकर आप लोगों के क्या क्या विचार हैं।
वीडियो अच्छी लगी गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज 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 हिट द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए डे बाय डे लाता रहता हूं। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे फिर किसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन ऑलवेज वर्क हार्ड बट नेवर एवर गिव अप। लव यू ऑल।